मॉर्निंग चिल्ड्रेन, सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए। और अटेंडेंस बनाने का आप सभी बच्चे को प्रोसेस पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की प्राइस शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की बुक भी ओपन करेंगे और ईवीएस की नोटबुक भी ओपन करेंगे। नोटबुक इसलिए ओपन करेंगे कि हम आज वर्ड मीनिंग लिखाएंगे। वर्ड मीनिंग समझते हैं ना, शब्द लिखाएंगे, वर्ड लिखाएंगे, उसका हिंदी मीनिंग यानी कि उसका हिंदी में अर्थ लिखाएंगे कि उस शब्द का अर्थ क्या होता है। इंग्लिश में उस वर्ड को जो बोलते हैं उसका मीनिंग यानी कि अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, ये लिखाएंगे, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको आना चाहिए। तो आज वर्ड मीनिंग लिखाएंगे। कल मैंने चैप्टर 8 कीपिंग सेफ पढ़ाया था, है ना, इसी चैप्टर का मैं लिखाऊंगी। मैंने बताया था कि हमें सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या रूल्स को फॉलो करने हैं, क्या क्या हैबिट अपनाने हैं, वो कि क्या काम करेंगे जिससे हम सुरक्षित रहेंगे और क्या काम करेंगे जो हमें नुकसान पहुंचाएगा। तो आपको पता चल ही गया था ना कि क्या काम करेंगे जिससे सुरक्षित रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर हम खेल खेलते हैं पार्क में, प्लेग्राउंड में, तो वहाँ पे कोई भी राइड्स होता है, जैसे स्विंग्स होता है, स्लाइडिंग होता है, कुछ भी होगा, तो वहाँ पे अपने टर्न का इंतज़ार करेंगे और जब मेरा टर्न आएगा तब मैं सवारी करूंगी, बैठूंगी, उससे क्या होगा कि किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा कि अगर हम रोड पे चलते हैं तो फुटपाथ पे चले या रोड के साइड में चले, इससे हम सेफ रहेंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना। तीसरा ये था कि अगर हमें रोड क्रॉस करना है तो जहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग है तो वहाँ पे क्रॉस करें, अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, जैसे हम लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, तो रोड के एक साइड खड़े हो जाएं जिस साइड हम रहते हैं है और हमें दूसरी साइड जाना है, उसके बाद पहले दोनों तरफ यानी कि लेफ्ट और राइट अच्छी तरह से देख लें, उसके बाद रोड क्रॉस करें, है ना। उसके बाद क्या था कि अगर घर पे कभी हम अकेले हैं तो घर का दरवाज़ा बंद रखें और किसी भी अजनबी से ना ही बात करें ना ही उन्हें अंदर आने दें, ओके। ये सारा था। गैस से, आग की सामान से दूर रहें, है ना, ये हमारे लिए सुरक्षित है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से, कोई भी नुकीली या तेज़ चीज़ से ना खेलें, ओके, ये सारा फॉलो करें। इस तरीके से बहुत ऐसी बातें हैं जो हम अगर अपनाएंगे तो हम क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कभी भी भींगे हाथों से कोई भी इलेक्ट्रिक थिंग्स को ना टच करें, क्योंकि हमें शॉक यानी कि करंट लग सकता है, झटका लग सकता है। इस तरीके से आपको बहुत सारे आपको रूल्स पता चलें कि अगर आप क्या कीजिएगा जिससे आप सेफ रहिएगा, है ना। अगर ये काम करने से सेफ रहते हैं तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमें सुरक्षित रखता है ना, तो वो काम हमें करना चाहिए। जिससे हमें नुकसान पहुंचे, जो हमें चोट पहुंचाए, घायल करे, तो वो काम हमें ना ही करना चाहिए और ना ही दूसरों को करने देना चाहिए, ओके, ना खुद करें ना दूसरों को करने दें, ओके। आइए हम वर्ड मीनिंग लिखाते। तो पहले चैप्टर को ये कर दिया, आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन करेंगे, न्यू पेज से लिखना शुरू करेंगे। ये नहीं कि इससे पहले जो हम एक्टिविटी लिखते थे बुक्स नोटबुक्स में, वो एक्टिविटी को छोड़ दीजिएगा, पेज बचेगा भी तो उस पेज को छोड़ दीजिएगा। सभी बच्चे न्यू पेज से लिखेंगे, ओके। न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर, सभी बच्चे तो न्यू पेज से ही लिख रहे हैं, डेट और रिमेंबर ऊपर लिखिएगा और फर्स्ट लाइन में हेडिंग, उसके बाद लिखना शुरू कीजिएगा, क्लियर। और हाँ, एक और बात मैं बोल रही हूँ, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपना बुक परचेस करवा लें, बुक मंगवा लें स्कूल से। दूसरी बात ये कि आप लोग ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, है ना, ज़रूर से ज़रूर क्लास में प्रेजेंट रहिए और स्टडी कीजिए। इसे सिर्फ वीडियो देख के या वीडियो सोच कर मत छोड़ दीजिए, इसको आप अपना पढ़ाई जैसे स्कूल में आपके क्लासरूम में आपको पढ़ाया जाता था, बस सेम उसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। फ़र्क इतना है कि पहले आप स्कूल आते थे, अब क्या है, आप घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि इसे व्यर्थ कर देना चाहिए, ओके। तो मेरी बातों को समझिए और इस पर गौर कीजिए और ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए। आइए हम वर्ड में लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट है, चैप्टर है, रिमेंबर लिखेंगे, आर ई एम ई एम बी ई आर, रिमेंबर, है ना। अब है हेडिंग, डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड, एम ई ए एन आई एन जी वर्ड मीनिंग, ओके। तो हमारा पहला वर्ड है सेफ, एस ए एफ ई, सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, सुरक्षित। सेकंड है से,
सेफ्टी, SAFETY, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। थर्ड रूल, RULE, रूल मीन्स नियम। फोर्थ सेव, SAVE, सेव मीन्स बचाना। RIDE, राइड मीन्स सवारी या चढ़ना। पहले मैं इतना को समझा दूं, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखूंगी, क्योंकि बोर्ड पे इतना स्पेस है जितना ही अटा है। ओके, तो आप सभी बच्चे पहले ध्यान से समझे, जब मैं लिखूं तब आप लिखिए, जब मैं समझाऊं तो मेरी तरफ ध्यान होना चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले सेफ, SAFE, सेफ, सेफ में सुरक्षित। मैं इसलिए समझा रही हूं कि आप ध्यान दें कि कैसे वर्ड मीनिंग को पढ़ना है, याद करना है। तो पहले आपको स्पेलिंग करनी है, SAFE, सेफ, स्पेलिंग करके प्रोनाउंस करना है। उसके बाद सेफ मीन्स, मीन्स लगाना है हर वर्ड में, मीन्स का मतलब अर्थ, तो मीन्स सुरक्षित, समझ में आई। सेकेंड है SAFETY, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा। थर्ड है RULE, रूल, रूल मीन्स नियम। SAVE, सेफ, सेफ मीन्स बचाना। DANGER, डेंजर, डेंजर मीन्स संकट या खतरा। दो शब्द है, बीच में कॉमा है, कॉमा की जगह पे कॉमा को हमें क्या बोलना है, या, संकट या खतरा, मतलब संकट भी हो सकता है उस शब्द का मीनिंग और खतरा भी हो सकता है। हर शब्द का एक से ज्यादा मीनिंग होता है। ओके, RIDE, राइड, राइड मीन्स सवारी या चढ़ना। या मैंने क्यों बोला, अभी मैंने बताया ना, कॉमा की जगह पे हमें या बोलना है, कॉमा तो बोल नहीं सकते, सवारी कॉमा चढ़ना ऐसा तो खराब लग रहा है ना, क्या बोलना है, सवारी या चढ़ना, इस तरीके से। फिर से मैं एक बार बोलूँ, सेफ, सेफ मीन्स सुरक्षित, सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, रूल, रूल मीन्स नियम, सेव, सेव मीन्स बचाना, डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा या संकट, राइड, राइड मीन्स सवारी या चढ़ना। ओके, सिक्स वर्ड हुआ, अब मैं वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट शब्द, नेक्स्ट वर्ड को मैं लिखूंगी। आप सभी बच्चे जब मैं लिखूँ तो आप ध्यान से नोट किया कीजिए। Quietly means shanti।
समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड लिखोगे। थोड़ा वर्ड मीनिंग इसमें ज़्यादा है क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं कि हो सकता है उस वर्ड का मीनिंग आपको ना पता हो इसीलिए मैंने लिखाया, या मीनिंग पता हो तो स्पेलिंग नहीं आता है वर्ड का तो इसलिए मैंने लिखा दिया। आइए समझ लेते हैं। 1 से 6 तक पहले कंप्लीट किया, अब 7 नंबर है। FALL, फॉल, फॉल मीन्स गिरना। SHOCK, शॉक, शॉक मीन्स झटका, सदमा। ओके, या 9 है। PUSH, पुश, पुश मीन्स धक्का या धकेलना। 10 नंबर। HURT, हर्ट, हर्ट मीन्स चोट या दुखी, है ना। देखिए कॉमा मैंने दिया है, यानी कि दो दो शब्द हैं तो कॉमा की जगह पे आपको पता ही है या बोलना है। ओके, चोट, दुखी, है ना, या घायल भी होता है। अब 11 है। QUIETLY, क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक या खामोशी से, यानी कि शांतिपूर्वक हमें क्लासरूम में कैसे रहना है, शांतिपूर्वक रहना है, यानी कि शांत रहना है, शोरगुल हल्ला नहीं करना है, चुपचाप रहना है, टीचर्स की बातों का ध्यान देना है, चाहे जो भी टीचर हैं उन पे ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे क्या लिख रहे हैं। तो शांतिपूर्वक यानी कि शांति का माहौल बनाए रखेंगे तभी हम शिक्षक की बात को आसानी से समझ सकेंगे। उसके बाद है शार्प, SHARP, शार्प मीन्स तेज या नोक, है ना, नोक यानी कि नुकीला, तेज या नुकीला। फिर से मैं एक बार पढ़ के समझा दूँ। फॉल, फॉल मीन्स गिरना, शॉक, शॉक मीन्स झटका या सदमा, पुश, पुश मीन्स धक्का या धकेलना, हर्ट, हर्ट मीन्स चोट या दुखी, क्वाइटली, क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक या खामोशी से, शार्प, शार्प मीन्स तेज या नोक या नुकीला या नोक वाला चीज। मैं अब वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट लिखाती हूँ। इतना समझ लेते हैं फिर नेक्स्ट बताएंगे। तो 1 से लेके 12 तक कंप्लीट हो गया है। अब 13, NEEDLE, नीडल मीन्स सुई। मैंने नीडल, सीजर या नाइफ इसलिए लिखाया कि आप इस वर्ड को जानते हैं, तो सुई, कैंची, चाकू बोलते हैं ना, उस वर्ड को इंग्लिश में बोला कीजिए, और इसलिए लिखाया कि आपको पता है बट स्पेलिंग नहीं याद होगी इसलिए मैंने लिखा दिया। बहुत ऐसे वर्ड इसमें हैं कि आप उसका मीनिंग जानते हैं लेकिन उस वर्ड का इंग्लिश स्पेलिंग नहीं जानते, इसलिए मैंने लिखा दिया कि आप स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। SCISSOR, सीजर, सीजर मीन्स कैंची या कतरने वाला चीज़। KNIFE, नाइफ मीन्स चाकू, के से लिखते हैं बट के को पढ़ते नहीं हैं। ओके, KNIFE, नाइफ पढ़ते हैं, न का आवाज़ निकालते हैं, एन का आवाज़ निकालते हैं, के का नहीं। ओके, नाइफ मीन्स चाकू। INJURED, इंजर्ड मीन्स घायल। ALONE, एलोन मीन्स अकेला। STRANGER, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी या अपरिचित, जिसको हम नहीं जानते हैं। ओके, क्या है, नीडल, नीडल मीन्स सुई। सीजर, सीजर मीन्स कैंची। नाइफ, नाइफ मीन्स चाकू।
इंजर्ड, इंजर्ड मीन्स घायल, एलोन, एलोन मीन्स अकेला, स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी। अब वाइप करनी हो नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। पेडिस्टेरियन यानी के पैदल यात्री, यानी के पैदल चलने वाला, पैदल जो चलता है, जो भी लोग, जैसे बहुत सारे रोड गाड़ी है ना, सड़क पे क्या करते हैं बहुत सारे लोग, गाड़ी से बैठते हैं, गाड़ी पे चलते हैं, जैसे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर्स हो, फोर व्हीलर्स हो, यानी कि बाइक हो, साइकिल हो, ऑटो रिक्शा हो, कार हो, जो भी हो, गाड़ियों से भी चलते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग जो होते हैं कि रोड पे, सड़क पर पैदल भी चलते हैं, उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेडिस्टेरियन। ओके, अब है 20, STRIPE, स्ट्रिप, स्ट्रिप मीन्स धारी या पट्टी या फीता। ओके, मैंने दो लिखाया है, धारी या पट्टी, धारी होता है ना, स्ट्रिप उसको बोलते हैं। तो बस 20 वर्ड है, बहुत ज़्यादा वर्ड तो है नहीं, आप 50-50 करके, 10-10 करके याद कर लीजिए, या वन टाइम 5 याद करिए, 5 याद करके किसी को सुना दीजिए, फिर 5 याद कीजिए वर्ड, फिर 5 वर्ड याद करके दूसरे को सुना दीजिए, फिर 5 याद कीजिए, फिर सुनाइए, फिर 5 याद कीजिए, फिर सुनाइए, ऐसे 5-5 करके याद कीजिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद जब पूरा 5-5 करके आप अगर सुना देते हैं 4 बार में, तो एक बार फिर से 1 से लेकर 20 तक याद कर लीजिए और फिर सुना दीजिए, तो आसानी से याद हो जाएगा। ये नहीं समझिए कि 20 वर्ड है कैसे याद करें, नहीं, 5-5, 10-10 करके जैसे आपको आसानी हो रहा है 5-5 करके याद कीजिए, बहुत बेस्ट है। ओके, तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 8 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना है, क्लियर। तो ये आपका होमवर्क है, और मैंने कहा ना 5-5 करके याद कीजिए, 5 याद करिए फिर सुनाइए, फिर 5 याद करिए फिर सुनाइए, 10 हो गया फिर 5 याद करिए फिर सुनाइए, 15 हो गया फिर 5 याद कीजिए फिर सुनाइए, तो 20 हो गया, 20 हो गया, आप क्या कीजिए 1 से लेके 20 तक याद कीजिए फिर सुनाइए, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है तो उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट स्कूल के लिए, कि स्कूल में हमारा बिहेव कैसा होना चाहिए। तो आज है, डू नॉट स्क्रेबल ऑन दी वॉल्स, डेस्क, बेंच एंड बोर्ड, चाहे वो ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, यानी कि दीवार, वॉल्स में दीवारें होती हैं, बेंच डेस्क होता है स्कूल में, और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी होता है, तो उसको स्क्रेबल नहीं करना है। स्क्रेबल मीन्स खरोचना नहीं है, ना ही पेंसिल से, ना ही किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, ना ही किसी अपने किसी भी मतलब नाखून से, उंगली से नहीं करना है ना। तो जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, घर का ध्यान रखते हैं, घर की देखभाल करते हैं, उसी तरीके से हमें स्कूल का भी ख्याल रखना है, स्कूल का भी देखभाल करना है, नीट एंड क्लीन रखना है, किसी भी चीज़ को खरोचना नहीं है, ना ही अपने नाखूनों से खरोचना, ना ही किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट, किसी भी नुकीली चीज से, तेज चीज से, गंदा लगेगा ना ऐसा करने से। हमें चाहिए कि हम जैसे घर की दीवारों पे नहीं लिखते हैं, उसी तरीके से स्कूल की दीवारों पे नहीं लिखें। बच्चों को लिखने की आदत होती है, पेंसिल लेते हैं, कलर्स लेते हैं, बस घसना शुरू कर देते हैं, यह बहुत बैड हैबिट है, बहुत गंदी बात है, और दिखने में गंदा लगता है। तो आप लोग आज से कभी भी ये काम नहीं करेंगे। ओके, सभी बच्चे प्रॉमिस करते हैं मुझसे, और प्रॉमिस को हमेशा याद रखिएगा, वादा हमेशा याद रखिएगा। तो कभी भी ये काम नहीं कीजिएगा, चाहे वो पेंसिल हो या किसी भी चीज़ से, ना ही दीवार पे लिखना है, ना ही बोर्ड को खरोचना है, ना ही बेंच डेस्क को। लिखने का काम नोटबुक पे है, नोटबुक में कीजिए। ओके, और उसको दीवार को साफ सुथरा रखिए, बेंच डेस्क को भी साफ सुथरा रखिए, और ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड को भी साफ सुथरा रखिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।